तो निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ के साथ में हम यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी हमने एंजॉय किया, सफारी नहीं करी, काफ़ी गर्मी हो जाती है और चांसेस कम हो जाते हैं गर्मी के अंदर टाइगर दिखने के, तो इस वजह से हमने सफारी नहीं की है, पर हमने आसपास की जगह एक्सप्लोर करी है। चल मिलते हैं फिर अपन, ठीक भाई? हाँ ओके बाय। तो दो हार राइडर हमारे यहाँ से जा रहे हैं, ये टोंक जाएंगे सीधे यहाँ से और हम चल जाएंगे जयपुर के लिए। क्या बोल रहे हो? मैं तो इसमें बोल रहा हूँ। भाई साहब बच गए अभी अपन, बच गए तो बच गया भाई, तो ढंग से चलाना आगे बेवकूफ। तो ये चीज का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, गांव के अंदर से अगर आप निकल रहे हो तो सावधानी बरतें। अगर कोई इन केस कोई एक्सीडेंट हो गया है, चाहे सामने वाले की गलती है, तो वहाँ से कोशिश करें कि अपन वहाँ से जल्दी से निकल जाएं। हाँ अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, सामने वाले के लग गई है, तो उसे आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएं, ये अपना पहला फ़र्ज बनता है। पर नहीं है तो उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि गांव वाले क्या छोटी सी चीज़ को लेके इशू बना लेते हैं, उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो आपके साथ मार पिटाई वगैरह ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसा अभी तक हमारे साथ तो कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है, पर कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे साउथ का, आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए थे, जहाँ पे किसी और बाइक ने एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, उसकी डेथ हो गई थी, और वहाँ के गांव वालों ने जितने भी राइडर्स वहाँ से निकल रहे थे तो उनको पकड़ के और मारपीट करना चालू कर दिया था। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखें हमेशा। जल्दी से निकल जाएं या फिर सेफली आप क्रूज करें, ज़्यादा स्पीड के अंदर आप क्रूज ना कर, कंट्रोल में रखें अपनी गाड़ी को हमेशा, तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि पता नहीं है फिर तो होता क्या है ना यहाँ पे। जैसे अभी ये छोटा बच्चा घूम रहा है तो ये मन कर रहा है तो कहीं पे भगने लग गया, एकदम से आपकी बाइक के सामने आने लग गया, तो किसी का भी बच्चा है किस दुख होता है और गुस्सा आता है, तो वो चीज़ें हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। बाकी हमारी राइड जयपुर के लिए निकल चुकी है वापस से सवाई माधोपुर से, तो हम अभी शॉर्टकट में हैं, ये अंदर से शॉर्टकट जा रहा है जो सीधा हमारे को हाईवे पे ज्वाइन कर देगा। इसके लिए हमें सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, तो सिटी स्किप हो जाएगी और हम जल्दी हाईवे के ऊपर पहुँच जाएंगे। लिया है और हमें सामने ही पेट्रोल पम्प दिख रहा है, तो अभी सभी गाड़ियों के अंदर हमें पेट्रोल भरवाना है, तो अब पेट्रोल भरवाते हैं और डायरेक्ट निकलते हैं फिर जयपुर के लिए। अगर देखते हैं रिफ्रेशमेंट की हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो एक रिफ्रेशमेंट लेके और जयपुर के लिए निकल जाएंगे। इनका जीवन बस उस पिंजरे में निकल जाएगा, पिंजरे में आते हैं पिंजरे से चले जाते हैं। देखा जाए तो इंसान ही सबसे
चलिए छोड़िए, पड़ चुका है और हम निकल चुके हैं आगे के लिए। फुल करवा लिया है टैंक, तो अब डायरेक्ट हम 100 किलोमीटर क्रूज करके और रिफ्रेशमेंट के लिए रुकेंगे। तो देख रहे हैं वहाँ पर कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे, खाना है नहीं खाना है, तो उसके बाद में हमारे पास ज़्यादा किलोमीटर बचेंगे नहीं, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में डिसीजन लेंगे क्या करना है। तब तक तो ये करना था वैसे डायरेक्ट ट्रैवल करना, तो रणथंभौर जयपुर के पास में अच्छी लोकेशन है विजिट करने के लिए। अगर आपके पास में कोई लोकेशन नहीं है और आपको ट्रैवल करना है एक दिन के लिए या जल्दी जाके वापस आना है, तो रणथंभौर इज द बेस्ट लोकेशन। ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं है, ये होता है अगर बजरी वाली रोड रहे तो जैसे गाड़ी घूमी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं ज़बरदस्ती घुमाने की कोशिश करता तो मेरी गाड़ी स्किट हो जाती, तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा घुमाया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा आगे वाला जो टायर है वो सूखा हुआ है और चेंज होने की कगार पे है। तो आपको आपकी गाड़ी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको रिस्क लेना है कहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा मेरा गाड़ी का टायर स्किट किया था जब वो बाइक सामने आ गई थी, तो टायर स्किट इस वजह से क्या था क्योंकि ये चल गया है करीब 23,000 किलोमीटर चला दिया है मैंने इस टायर को। तो अभी हम लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाले हैं तो उससे पहले मुझे ये टायर वापस से चेंज करवाना होगा, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना किलोमीटर और निकल जाए ये टायर। तो इस वजह से मैंने इसको अभी चेंज नहीं करवाया, तो मैं अप्रैल में हमारा मई के अंदर है लॉन्ग ट्रिप प्लान करने का, लॉन्ग ट्रिप प्लान है हमारी सब कुछ हो चुका है, बस हमारे को निकलना है, तो प्लानिंग वगैरह सब हमने कर ली है। एक तो ये रोड खोजने के बाद में बहुत डिसबैलेंस होती है गाड़ी, और अगर आपके टायर में हवा कम है तो ये और ज़्यादा डिसबैलेंस होगी, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके टायरों के अंदर हवा प्रॉपर हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके टायर में हवा होगी तो आपका टायर इक्वली कट नहीं होगा, घिसेगा नहीं इक्वली, वो फिर बीच में से ज़्यादा घिसेगा, साइडों में से नहीं घिसेगा, तो टायर लाइफ बचेगी नहीं आपके टायर की, जल्दी ही घिस जाएगा बीच में से, क्योंकि मेन बीच में ही चलता रहा है। जैसे हिमालयन के साथ में ये प्रॉब्लम है, और ये बात का ध्यान एक जो सबसे ज़रूरी बात ये होती है टायर के लिए कि जैसे आप लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं, जैसे सपोज आपको 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिप करनी है, तो और आपका जैसे PSI दे रखा है, जैसे इसके अंदर अभी 28 PSI है, कन्फर्म नहीं शायद 28 ही है आगे वाले टायर के अंदर, 28 है फिलहाल के साथ में अलग है, तो 28 PSI अगर आपको दे रखा है, और अगर मैं गलत हूँ आगे वाले टायर के लिए तो मुझे करेक्ट करना कमेंट के अंदर, 28 अगर आपका PSI दे रखा है तो 1-2 PSI आपकी कम हो तो चलेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टूर कर रहे हो ना, तो 1-2 PSI आपका अपने आप बढ़ जाएगा, जब आप लॉन्ग टूर करेंगे तो हवा अपने आप ही उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे 28 का 28 आपने PSI रखा हुआ है और लॉन्ग टूर आप कर रहे हो, तो फिर 28 का 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो वो टायर आपका फिर इक्वली नहीं घिसेगा, वो बीच में से ज़्यादा घिसेगा। छोटी राइड के अंदर कोई दिक्कत नहीं, पर लॉन्ग टूर के ऊपर आपको ये चीज़ हमेशा रोज मेजरमेंट करनी पड़ती है कि आपके टायर की हवा क्या है, तो उसका अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर वो टायर आपका जल्दी चल जाएगा, जल्दी कट हो जाएगा। तो जैसे मेरे साथ ये अभी प्रॉब्लम रिसेंटली हुई, मेरा जो टायर है वो इक्वली नहीं घिसा है पीछे का, तो वो मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, बीच में से वो ज़्यादा घिस गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, साइड में से पूरा मतलब अभी करीब 30% माल बाकी है उसके अंदर, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. के ऊपर सबसे ज़्यादा संभल के आपको कुछ लोगों से रहना, कुछ लोगों में से ये है, ये जा रहे हैं स्प्लेंडर प्लस के ऊपर दो लड़के, तो इनको अब हमारी गाड़ियों के साथ रेस लगा दें, तो कब से हमारे को आगे पीछे
किए जा रहे हैं इनके। भाई कोई एमरजेंसी आएगी तो कहाँ आप देखने आ पाएंगे तो आपको बताइए। स्लिप विलिप हो जाएंगी बिना हेलमेट के, बिना कोई गियर गियर शायद तो फिर पहन लेता चप्पल, पूरी बॉडी का आपकी जा सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से या तो उनको आगे निकाल दो या वो हमसे आप आगे चल जाओ, या फिर उनको इतना पीछे छोड़ दो कि वो आपको पकड़ ना पाए। इनकी वजह से एक्सीडेंट्स आपके हो सकते हैं। वैसे लोग आपको मिलते रहेंगे कि जो आपको आपके साथ रेस लगाना चाहते हैं, आपको कुछ करना चाहते हैं, अरे तुम थोड़े राइडर राइडर तो हम ही देखो रेस लाइडर से पीछे कर देंगे। तो एक बात मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि हम रेसर नहीं हैं भैया, हम ट्रैवलर हैं। हमारे को तो थोड़ा सा क्रूजिंग स्पीड मेंटेन करके रखने पड़ते हैं कि हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच सके, जब हम इतना स्पीड में भी ना चले हमारे आस पास के डेस्टिनेशन। 1900 के आसपास की स्पीड बहुत अच्छी होती है और इसके ऊपर ही हम क्रूज करते हैं। तो इनका 90-80 जल्दी से कैसे भी करके कर लेते हैं और उनको लगता है कि वो भाई साहब ने इनको हरा दिया है और अब हमको हरा के ही छोड़ेंगे और उनकी क्या रेस लग जाती। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखने का। गोबर आया सीधा सट करके, ये देख पूरा गोबर गोबर हो गया, अब धुलवाना पड़ेगा कहीं पे। आ गए हैं हम वापस से रामा रिजॉर्ट के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ हल्का फुल्का खाना या लंच करना है, देन उसके बाद में वापस टू होम। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से हम रेगुलर बाइक चलाइए और ऑलमोस्ट हमने 100 किलोमीटर कवर किया है। और जयपुर यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 50 अराउंड है। तो बस वही देखना है अब क्या खाना है, कुछ नहीं खाना। तो यहाँ पर ब्लॉग हम फिनिश करेंगे और सबसे एक्सपीरियंस लेंगे कि उनका क्या राइडिंग एक्सपीरियंस है इस ट्रिप को लेके। ये भी एक अच्छी जगह है जयपुर में, अगर आप ब्रेकफास्ट राइड करना चाहते हैं या शाम को डिनर के लिए आना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। Ride for you. Tell me why you...